दोस्तों ये वाली वीडियो देख के आप लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेंजर की तरफ से आने वाला स्ट्रेंजर SPB4 के एम्पलीफायर के बारे में। दोस्तों ये 4000 वॉट का एम्पलीफायर है जो कि हमारा स्ट्रेंजर की तरफ से आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका प्राइस डिटेल, कैसा ये एम्पलीफायर बजता है, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपने थंबनेल में देखा कि इसमें कितने स्पीकर बजा सकते हैं, यहाँ पर कितने टॉप चलेंगे, कितने बेस चलेंगे, तो इन सबकी डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के सामने है यहाँ पे स्ट्रेंजर की तरफ से आने वाला स्ट्रेंजर SPB4 के। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पे SPB को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सुपर पावर बूस्टर, दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये जो हमारे एम्पलीफायर स्ट्रेंजर की तरफ से आने वाली, ये एक बूस्टर एम्पलीफायर है। दोस्तों 4 के यहाँ पे इसका मतलब है कि 4000 वॉट। तो दोस्तों यहाँ पे जो एम्पलीफायर की डिटेल्स है वीडियो में आपको पूरी मिल जाएंगी। प्राइस भी मैंने आखिर में बताया, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना, वीडियो काफी छोटी होने वाली है। तो बस चलिए बात करते हैं एम्पलीफायर पे। दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल चैनल सुपर पावर एम्पलीफायर जो इसका यहाँ पे जो फुल फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, आपकी नॉलेज क्लियर पे थोड़ा मोड़ा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं इसके फ्रंट पैनल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे कोई भी मास्टर बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बेस स्टेबल के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों ये एक बूस्टर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट्स में 2 होल्स दिख रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए, 2 हैंडल दिए गए हैं, नीचे पर स्विच दिया गया हुआ है, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है SPB4 के। बीच में आपको LED लाइट इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट में स्ट्रेंजर की बैटरी दी हुई है। चलिए थोड़ी और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एम्पलीफायर के अंदर क्या लगा हुआ है, ये आपको कितना वोल्टेज देने वाली है, कितने ओम पे, दोस्तों सबसे पहले कंपनी ने ये मेंशन किया था कि दोस्तों ये वाली एम्पलीफायर आपको 2 ओम पे 2000 वॉट देने वाली है पर चैनल पे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको 2000 वॉट चैनल 1 और चैनल 2 दोनों पर मिल जाएगा अगर आप 2 ओम्स पर ऑपरेट करते हो। तो यहाँ पर दोनों चैनल पर भाई 2000 वॉट दे रही है, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको 2 ओम्स पर कैसे आपके टॉप बजेंगे, तो वीडियो में ही मैं बताऊँगा, तो इसके बाद वही आने वाला हो, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों यहां पे इसके बैक पैनल पे आपको एक 4 इंच का फैन देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है एक बूस्टर के लिए। यहां पे दोस्तों जो अगर आप ओवरनाइट एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हो, लाइव में इस्तेमाल करते हो, या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर पर रखते हो जहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर लगता है, तो वहां के लिए आप लोग इस एम्पलीफायर में जो फैन दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा आपके एम्पलीफायर की हेल्प करता है हीट को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों यहां पे इसका वेट है 32 kg के अप्रॉक्स वेट है, तो भैया लिफ्टिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है, तो भाई मेरे ख्याल से तो सही है, जितना एम्पलीफायर का ज़्यादा वेट होता है उतनी क्वालिटी इंप्रूव होती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं आप लोग इसमें कैसे स्पीकर्स बजाएंगे, उसके बाद प्राइस बताता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए, एक नॉलेज के लिए आपकी यहाँ पे स्पीकर्स रख दिए हैं। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप 2 पेयर बजा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे आप 4 टॉप बजा सकते हो इस एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों जो आपका एक टॉप होगा वो 1000 वॉट का होगा, जैसे कि आप मान के चलो आपके पास डुअल 15 इंच का 1000 वॉट का टॉप है, एक 15 इंच का स्पीकर आपका 500 वॉट का है, तो दोनों को मिला के 1000 वॉट बन गया, तो आपका एक टॉप आ गया, दूसरा इसका पेयर, यानी कि आपको 2 स्पीकर हो गए, और 2 पेयर का मतलब आपके 4 स्पीकर हो गए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ही स्पीकर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके जिनका इंपेडेंस 2 ओम बन जाता है, तो चैनल 1 पे दे दीजिएगा और दूसरी तरफ चैनल 2 पे दे दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके 2 ओम्स के ऊपर 2000 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इस एम्पलीफायर का थोड़ा सा एग्जांपल कि आप कैसे स्पीकर बजा सकते हो। तो जी हाँ, आप लोग यहाँ पे 1000 वॉट के 4 टॉप बजा सकते हो। दोस्तों आप लोग समझ गए होगे कि आपको बेस कैसे चलाना है, बेस चलाने के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई करिएगा, लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे एक बात मान के चलिए कि बेस में अगर आपको अच्छा पंच चाहिए तो आप लोग एक काम करिएगा कि जो आपका एम्पलीफायर 2000 वॉट देता है उससे थोड़ा सा आप कम रखिएगा, 1800 वॉट या फिर 1900 वॉट रखिएगा, थोड़ा एम्पलीफायर को ज़्यादा देने दीजिएगा वोल्टेज आपके बेस को, जिससे कि आपको एक अच्छा पंच मिल जाएगा। दोस्तों बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसे बजाना है। चलिए प्राइस की बात करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों एट दी लास्ट इसका प्राइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 30 से 35 हज़ार की रेंज में आपको एम्पलीफायर मिल जाता है। इतना दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल अप्रॉक्स प्राइस है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको 35 हज़ार या 30 हज़ार में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट में कितना पैसा अपने साथ ले जाओगे, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया है, 35 हज़ार रुपये अगर आप ले जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग यानी एम्पलीफायर खरीद के घर वापस आने वाले हो। तो बस दोस्तों आज के साल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।